प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन नाक तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू पलना वालों मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के धाम धनी अक्षय तीर्थ के परम प्यारे लाडले आपके कोमल चरणों में मेरी आत्मिक हृदय का सलाम सिजदा कबूल कीजिए। प्रणाम जी। धाम धनी की असीम अनुकंपा मेहर और नूर की बारिश इस ब्रह्मांड में चुने हुए ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर इस प्रकार से बरस रही है कि हम सब उसमें झील कर अपने मूल स्वरूप में पहुंच जाते हैं। तो आप सोचेंगे कि इस ब्रह्मांड में बारिश क्या थोड़ी थोड़ी जगह पे होती है, जहां जहां ब्रह्म सृष्टि है उसके ऊपर होती है, और उनको पहचानता कौन है? सुंदर साथ, ये ऐसा ब्रह्मांड है जहां तारतम ज्ञान आने के बाद नूर तारतम की बारिश तो पूरे ब्रह्मांड पर हो रही है, लेकिन झीलने वाले वही हैं जो मानो उनके पास न घर है न छत्री है, यतीम है, फकीर है, न वस्त्र है, न घर है, न छत्री है। उनका दिल वो जहां भी है उस नूर की बारिश में भीज रहे होते हैं। और जिन्होंने इस तारतम के नूर को नहीं पहचाना, वो अपने ऊपर यहां के अनेक अनेक अवतारों का ओढ़ना ओढ़ रखते हैं। धर्म के ज्ञान को ओढ़ रखते हैं। ऐसे ऐसे पंथ पैढ़ों की छतरी लगाए घूमते हैं, और उन सब छतरी के ऊपर सबसे बड़ी छतरी उनके ऊपर होती है उनके ये मस्तिष्क, जिसके अंदर दज्जाल बैठा होता है, इब्लीस बैठा होता है, और ऐसी सपने की बुद्धि से उसके अहंकार को इतना बढ़ा देता है, इतना बढ़ा देता है कि वो ऐसी छतरी आ जाती कि सोना भी बरस रहा हो, प्रेम की बारिश हो रही, नूर की बारिश हो रही, मेहर की बारिश हो रही हो, उन सब से वो अपने आप को बचा लेते हैं, क्योंकि ये माया है। तो जो जो सुंदर साथ उस नूर की बारिश में सदैव झीलता है उसका अंकुर है परम धाम। और वो इस वाणी के वचनों को सुनकर बस मानो दिल उसका मूर्छित रहता है धाम धनी के चरणों में। अब मूर्छित के मतलब ये नहीं है कि बेसुध होता है,
यानी फना होता है, कुर्बान होता है। अब उसको धाम धनी के चरणों के अलावे कुछ और दिखता नहीं। अब ये चरण मत छुड़ाना धनी, ऐसे उसके दिल में बात बनी रहती है। तो वो सुंदर सात कौन है, उनके लक्षण क्या है, वो कलश हिंदुस्तानी के 11वें प्रकरण सुहागनियों के लक्षण। कल तक हम लोगों ने सात चौपाइयां की, बुधवार को किया था चार और शुक्र को किया तीन। अब आज जैसी धामधनी की मर्जी होगी वैसा होगा। तो आज हम आठवीं चौपाई से प्रारंभ करते हैं। वस्तुतः सातवीं और आठवीं आपस में मिली हुई बात है, इसलिए सातवीं को एक बार दोहराना तो अवश्य पड़ेगा। सुहागिन कौन, वो खोजे अपने आप को और खोजे अपनों घर और खोजे अपने खसम को और खोजे दिन आखिर। सबसे पहले इस जागनी के ब्रह्मांड में जब श्यामा जी अपनी रूहों के साथ पधारी और उन्होंने बहुत खोज किया, जब भया बरस अग्यारवा तब मन में उपजियो यह विचार, मैं कौन, कहां थे आइया, कहां है मेरो भरतार। 11 वर्ष की बाल्यावस्था में उनके दिल के अंदर ये बात आ गई और उनका जीव भी पहले से इतना निर्मल था कि उसने अब वो खोज शुरू कर दी और खोज के लिए उस बालक देवचंद जी नाम था उसको दौड़ाना शुरू कर दिया। और 40 वर्ष की अवस्था तक वो खोजता ही रहा। 15 साल यानी जब उनकी अवस्था 26 वर्ष की थी तब तक न जाने कहां कहां पंथ पैणों में घूमते रहे। अब सब बीतक के तो प्रबुद्ध ज्ञानी हो, आपको मैं ये क्या बता रहा हूं, लेकिन याद तो करना पड़ता है ना। कैसे कैसे कष्ट सहे, कैसे उन्होंने खोज किया, कैसे वो हरदास जी के यहां पहुंचे, बाल मुकुंद और बांके बिहारी की सेवा की, लेकिन कुछ भी प्राप्त न हुआ। तो 26 वर्ष की अवस्था में जामनगर पहुंचे और 14 वर्ष, ये 15 वर्ष के बाद 14 वर्ष और गुजारे, बड़ी तपस्या की कि श्याम जी के मंदिर में कान्हजी भट्ट से वो भागवत सुनते रहे। भागवत सुनने के बाद उनके दिल में कुछ सुकून आता, इसलिए आता था कि ब्रज की कुछ बातें थी जो उनके दिल में लहराने लगता था, उनको कुछ याद सताने लगती थी। रास की पंचाध्यायी 29 अध्याय से लेकर 33 अध्याय रास की बातें होती थी तो कुछ याद आने लगता था, इसलिए उनका दिल
श्रीमद् भागवत पुराण में लगता था। और ये सुनते 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 जब 40 वर्ष की अवस्था हुई, तब धाम धनी ने दिल में लिया कि अब मैं अपने दिल के स्वरूप श्यामा जी को दीदार दे दूं। 29 वर्ष तपस्या के बहुत कठिन बिताए उन्होंने, हमसे तो 6 महीने नहीं बीतते, 29 दिन नहीं बीतते, उन्होंने 29 वर्ष बिताए। क्यों? अपनी रूहों के खातिर। और ये जितनी तपस्या की, ये हम सब सुंदर साथ के लिए सिखापन है, लेना है तो ले लो और नहीं तो धाम धनी की मर्जी। फिर श्याम जी के मंदिर में चर्चा चल रही, कांजी भट्ट बड़े प्यार से चर्चा सुना रहे, सब सुन रहे, लेकिन देवचंद्र जी बैठे बैठे धाम धनी के स्वरूप का दीदार कर रहे थे और उनकी मेहर भरी नजर उन पर पड़ी तो उनके दिल का इल्म सागर लहराता हुआ उनके दिल में पहुंच गया, लेकिन एक राइडर के साथ, कि तुम इतना ही खोलोगे इस तन से, बाकी मैं खुद इंद्रावती के तन में बैठकर खोलूंगा और उस तन में तुम भी होगे और हम जुगल स्वरूप के जैसे विराजमान होंगे। तुम्हारे इस तन में भी मैं आकर बैठूंगा, तुम तो हो ही, तो जुगल स्वरूप तुम्हारे तन में भी और फिर इंद्रावती के तन में भी रहेंगे। और फिर उन्होंने ये मूल 4 प्रश्न पूछे, तू कौन, आई इत क्यों कर, कहां है तेरा वतन, नार तू कौन खसम की, दृढ़ कर कहो वचन। अब जो सबसे पहले इस ब्रह्मांड में धाम धनी ने अपने परम धाम के सिंगार में सजकर, उस नूरी सिंगार में जब श्यामा जी को, जो देवचंद्र जी के कलेवर में विराजमान थी, उनके दिल के नयन जब निहार रहे थे और दिल ही दिल के बीच में बात हो रही थी, तो कोई और नहीं सुन रहा था, क्योंकि इस दुनिया में तो सब अज्ञानी है, बेसुन है। जैसे मूल मिलावे में हम सबको फरामोश कर रखा था, अक्षर की आत्म से और धाम धनी के बीच में बातें हो रही थी, हम में से किसी ने नहीं सुना, ना श्यामा जी ने सुना, हम बेसुन। लेकिन हमारा अंकुर तो धाम का है। यहां पर इतने जीव सृष्टि बैठे सुन रहे थे, लेकिन जो धाम धनी और श्यामा जी में बातें हो रही थी, किसी को सुनाई नहीं पड़ रहा था। वो तो भागवत सुनने में या अपने घर की बातों को सोचने में मगन। तो अब उसी चौपाई श्री इंद्रावती जी के दिल में बैठकर धाम धनी सब सुंदर साथ को अब याद दिला रहे कि अगर तुम सुहागिन हो तो तुमको कदमों कदम चलना होगा श्यामा जी के अपने हाथी के। 29 वर्ष तक उन्होंने खोजा, अब तुम्हें खोजने की, उतने कष्ट के दौरान से गुजरने की आवश्यकता नहीं है। मैंने इंद्रावती जी के द्वारा सारी बातें बता दी, बस अब उनकी बातों को सुन लो और ग्रहण कर लो,
और तुम्हारा बेड़ा पार, और तुम पहुंच जाओगे अपने घर। तो इस चौपाई को जरा अपने दिल के भीतर ले लो। सुंदर सा सुहागिन के लक्षण क्या है? सुहागिन यानी धामधनी की अंगना, जिसका श्रृंगार है, जिसका सिंदूर है इश्क। धामधनी का स्वरूप ही इश्क है और उसकी मांग में वही इश्क का सिंदूर लगा हुआ है, और उसके अंग अंग धामधनी के अंग के जैसे इश्क के सागर है, और उसका नूरी श्रृंगार इश्क के रस से भरा हुआ होता है। तो वो सुहागिन नार कहलाती है, जिसके मुख पर नूर की आभा होती है, उसका मुख देदीप्यमान रहता है धामधनी के दिल के गुणों से। जैसा धामधनी का मुखारविंद, वैसा ही मुखारविंद सब। तो ऐसी सुहागिन नार का इस ब्रह्मांड में लक्षण है, वो हम नहीं बता रहे, कोई किसी को बताने की औकात भी नहीं है, वो तो सिर्फ हमारे प्राण प्रीतम ही बताएंगे। और क्या जीव सृष्टियों को बता रहे हैं कि मेरी सुहागिन ऐसी होगी? ना, वो सुंदर सात को बता रहे हैं कि तुम इन वचनों से पहचानना कि तुम सुहागिन नार परम धाम में हो या नहीं। और ये पहले बता चुके हैं कि जो परम धाम में सुहागिन नार होती है वो इस ब्रह्मांड में विरहिन नार होती है। तो विरह की श्रृंगार क्या तुमने इस संसार में सजाया है अपने आप को? परम धाम में इश्क का श्रृंगार, इश्क का सिंदूर, यहां पर विरह का श्रृंगार और विरह का सिंदूर, और विरह में हमारे प्राण प्रीतम बसते हैं। विरहणी नार के दिल में प्राण प्रीतम के अलावे कोई और होता है क्या? जैसे परम धाम में हमारे मूल तनों के दिल में धाम धनी को छोड़कर दूजा कोई नहीं होता, तभी तो वो सुहागिन नार कहलाती है और इस ब्रह्मांड में विरह नार, क्योंकि हमारे अंतस में विरह की अग्नि धधकती रहती है और वही हमारा श्रृंगार है। जैसे शुद्ध स्वर्ण जब 16.5 बार इस संसार में वो धातु तपाया जाता है तो उसका रंग पीले से लाल हो जाता है, परम धाम में ये दो रंगों का ख्याल करो सुंदर साथ, पीला रंग एक दिली का रंग है, वाहदत्त का रंग, और परम धाम में हर चीज वाहदत्त का स्वरूप है। और उन वाहेदत्त, हक की वाहेदत्त, और तो कोई है नहीं बिना एक हक, जात जात माए हक वाहेदत्त, हक हादी गिरो कहना, जो कछु चीज अर्स में सो सब वाहेदत्त के माए, जरा एक वाहेदत्त बिना सो तो कछुए माए। तो वो जो आत्माएं हैं उनका दिल एक है, तन एक है, इसलिए वो क्षीर सागर को दर्शाती जिसका रंग पीला होता है, स्वर्ण का रंग। लेकिन इस संसार में जो आत्माएं आई उनका रंग भी है तो पीला, लेकिन जब तक वो विरह की अग्नि में तपाए नहीं जाते, वो प्रेम की लालिमा नहीं आती,
तो जैसे वो शुद्ध स्वर्ण पीले रंग का विरह की अग्नि में जलकर तप कर कंचन जो लाल रंग का होता है, थंब कंचन अति लाल लाल रंग। अब आप सोना को ही 16.5 बार यहां तपाया जाता है, उसका रंग लाल हो जाता है। अरे लोहे को भी तपाओगे विरह में कि अग्नि में, चलो विरह बाद में बात करते हैं, अग्नि में लोहे को तपाओगे तो उसका रंग भी लाल हो जाता है। आप सबने देखा है लोहे को, एक लोहार जब आग में डालकर तपाता है तो उसका रंग लाल होता है, तब उस पर हथौड़ी मारता है और उसका एक उपयोग योग्य वस्तु बन जाती है। मुझे नहीं पता कि हम सब सुंदर साथ में कितने लोगों ने लोहे के प्लांट को देखा होगा जिसको स्टील प्लांट कहते हैं। उस स्टील प्लांट में जब गला हुआ लोहा जिसका टेम्परेचर बहुत अनेकों डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं, जब वो उसमें से निकलता है तो जो निकलकर उसका स्वरूप बाहर आता है उसको बोलते हैं इंगोट, INGOT। बड़े बड़े लोहे के सिल्ले होते हैं, जैसे बर्फ के सिल्ले आपने देखे हैं, वैसे ही लोहे के ये सिल होता है और उसका रंग एकदम लाल होता है। पहले लोहे से वो पहले पीला होता है, फिर पीले से वो लाल होता है और वो बाहर आता है और उसके आगे की प्रक्रिया, उससे हमारा मतलब अभी नहीं। तो अगर जीव जिसका सानिध्य इस आत्मा के साथ हुआ तो वो जब एक दिली के भाव को लेता है, आत्मा के भाव को लेता है, तो उसका रंग भी पीला हो जाता है और वो भी जब विरह की अग्नि में तड़पता है, तपता है, तो उसका रंग भी कंचन का लाल रंग हो जाता है, यानी प्रेम की लहरें उसको भी रंग देती है। तो ये है विरह की अग्नि जिसमें आत्मा भी तपती है और जीव भी तपता है और इसमें तपने के बाद जीव भी वही कंचन का स्वरूप होता है, यानी प्रेम का स्वरूप, और आत्मा तो मूल से ही प्रेम का स्वरूप, आत्मा का प्रतिबिंब हो जाता है जीव। तो सुहागिन परम धाम में उनके क्या लक्षण हैं वो तो आप अच्छी तरह जानते हो, यहां पर वो लक्षण क्या है। तो कौन कौन विरह में तड़पता है, ये धाम धनी सवाल पूछ रहे हैं हम सबसे। और अपने दिल के अंदर जो धाम धनी ने दर्पण लगा रखा है उसमें तुम देखो, जैसे जीव एक लोहा के समान काला सा था, वो भी ऐसा पारस पत्थर लगा कि वो स्वर्ण हो गया और फिर विरह की अग्नि में चलकर कंचन रंग का, प्रेम का लाल रंग। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल।
जब वाणी के द्वारा जीव ने भी सुना तो वो भी चली, तो वो भी हो गई आत्मा, तो पहले से दान है। तो ये सवाल पूछ रहे हैं हम सब सुंदर साथ से हमारे प्राण प्रीतम अक्षर दीप, कि जो दर्पण मैंने इल्म रूपी दर्पण तुम्हें दिया है उसमें तुम अपने स्वरूप को, जीव भी अपने स्वरूप को देखे और आत्मा भी अपने स्वरूप को देखे। अगर जीव पाता है कि उसके अंदर अब लालिमा आ गई, कई जीव देखेंगे कि अभी तो पीला रंग है, कई जीव देखेंगे अभी तो वो वैसे ही काले हैं, पारस पत्थर होता है वो काले, सड़े हुए लोहे पर भी लगा दो तो वो शुद्ध सोना हो जाता, फिर उसको अग्नि में तपा दो तो वो लाल हो जाता। तो धाम धनी के ये वचन पारस है, दर्पण है, और धाम धनी हमको उठा उठा के पूछ रहे हैं कि दर्पण में मेरे इल्म में तुमने अपना स्वरूप देखा तो कैसा देखा। तो ओ खोजे अपने आप को और खोजे अपनों कर, तू कौन आई इत क्यों कर, कहां है तेरा वतन नार, तू कौन खसम की दृढ़ कर कहो वचन। वो जो श्यामा जी को प्रश्न पूछे थे वो जवाब नहीं दे पाए, ये हम लोगों ने इसी कलश हिंदुस्तानी के शुरू के कई प्रकरण में जब धाम धनी ने वो सवाल पूछे तो श्यामा जी कुछ उत्तर नहीं दे पाई, बस इतना कहा कि अपने मत माफक मैं आपको इस ब्रह्मांड के बारे में बता दू। धाम धनी ने ये थोड़ी पूछा था कि मेरे को ब्रह्मांड बताओ, लेकिन इसके अलावे कुछ आता नहीं था, भागवत से उन्हें कुछ नहीं मिला तो बताते। लेकिन जानते हो सुंदर साहब, श्यामा जी ने धाम धनी से उनके इन प्रश्नों का उत्तर उलझा उलझा के देने का प्रयास किया कि ये ब्रह्मांड ऐसा है, माया ऐसी है, ये ऐसा है। जानते हो क्यों ऐसा जवाब दे रहे थे? वो तो सीधे सीधे ये भी कह सकते थे कि धनी हमें कुछ नहीं पता, अब जो बताना है आप बताओ। लेकिन वो धाम धनी का दीदार कर रहे थे और कौन चाहेगा कि अपने प्राण प्रीतम से कुछ प्रेम भरी बातें ना करें, वो चाहे बातें उल जलूल हो, उसका कोई भी औचित्य ना हो, लेकिन बात करने का और उनका पढ़ उत्तर सुनने का जो सुख होता है वो कोई सुहागिन नार छोड़ना नहीं चाहती। इसलिए श्यामा जी भी बातें कर रहे थे। अब आप सबसे सवाल पूछा जा रहा है, वही सवाल जो श्यामा जी से पूछा था उनके 29 वर्ष की तपस्या के, और हमने 0 तपस्या की। तो वो सवाल जो उनसे पूछे थे अब आपसे हमसे पूछे जा रहे हैं, वो खोजे अपने आप को। अगर तुम सुहागिन हो तो तू कौन, वो खोजे अपने आप। और खोजे अपनों घर, कहां है तेरा पुत्र, और खोजे अपने खसम, तू नार कौन खसम की, और खोजे दिन आखिर, क्योंकि देवचंद्र जी ने भी तो बड़े पुराणों की
बातें सुनी थी, पढ़ी थी, उसमें तो था ना कि 28वें कलयुग में धामदनी अपनी रूहों के साथ आएंगी। तो वो जो आखिरत का समय है, वो सुंदर साथ खोज रहा है। तो धामधनी ने बताया कि सब कुछ तो ला दिया, अब तो पी लो रस, खोज सुहागिन ना थके। और अगर तुमको नहीं समझ आ रहा है तो सुहागिन क्या करती है, वो खोजना बंद नहीं करती, वो तब तक खोजती रहती है जब तक अपने प्राण प्रीतम से मिलन का सुख नहीं लेती। खोज सुहागिन ना थके, जो लो पार के पारे पार, यानी हद से परे बेहद और बेहद से परे परम धाम अपना घर। नित खोजे चरनी चरे, और वो हर घड़ी खोजती रहती है और सीढ़ी चढ़ती है। अब विचारो कि हम किस सीढ़ी पर, पहली कि 81, पहली या 9 या 27 या 81 या 82 या 83 या 25 और सीढ़ियां जो परम धाम के 25 पक्ष। तो नवधा भक्ति, 3 गुण, 9 × 27 और भाव, प्रवाह भाव, मर्यादा भाव और पुष्टि भाव। और ये 9, 3 और 3 का गुणांक होता है 81। बयासी और 83 जो वल्लभाचार्य और सुखदेव थे, उसके बाद हमारे परम धाम के 25 पक्ष। तो खोजो और बताओ धाम धनी को, और बड़े प्यार से बताना कि तुम और हम किस सीढ़ी पे खड़े। और जानते हो छत कब आएगी? सीढ़ी जब चढ़ते हो तो उसके बाद एक छत आती है ना, तो या अगर सीढ़ी पे खड़े हो तो छत पे नहीं पहुंचोगे, और छत पे पहुंच गए तो सीढ़ी छोड़नी पड़ेगी। और 2 नावों में तो पांव रखे नहीं जाते कि सीढ़ी पे भी खड़े रहो और छत पे भी खड़े रहो, ये दोनों काम एक साथ तो होते नहीं। तो क्या करना, सीढ़ी छोड़नी पड़ेगी। ये परम धाम के जो 25 पक्ष हैं वो हकीकत के स्वरूप हैं, और जो छत है वो मार्फत का स्वरूप है, धामदनी का दिल का स्वरूप। जो सुराही हक की पीवन, सो इसका हक दिल मिने, सो मोमिन पीवे कोई बैठ के और पिया न जाएगी। यानी अगर इश्क का रसपान करना है, उसकी लीला नूरी लीला तो उन 25 पक्षों में आप देखकर उसमें विहार कर सकते हो, लेकिन उसके तत्पश्चात मार्फत यानी रंग पर वाली मंदिर के अंदर रहने वाली ओ ब्रह्मात्माओं, मार्फत का रस तो छत पर ही मिलेगा।
अब उसको रंग परवाली से जोड़ लो या पूनम चांदनी में नौ भौम दसवीं आकाशी चांदनी से जोड़ लो। मैं तो अपने प्राण प्रीतम के साथ रंग परवाली में विहार करना चाहूंगी। तो नित खोजे चरणी चढ़े, तो अब हम सब कहां हैं? खोज नए नए करे विचार, पर विचार अगर सपने की बुद्धि से विचारा तो माया का विचार, जागृत बुद्धि से विचारा तो अखंड ब्रज रास का भी हो सकता है, और जोर मारा तो 25 पक्षों का हो सकता है, और जोर मारा परिपक्व हो गए तो रंग परवाली में पहुंच गए, यानी अपने प्यारे छत पर पहुंच गए। तो नए नए करे विचार, इस वाणी के द्वारा जब हम जागृत बुद्धि दे इनों को, जिनसे देखी लहरे बका, वो लहर वाहदत्त के स्वरूप 25 पक्ष, और बकाह यानी धामधनी का दिल वो रंग परवाली मंदिर। खोज खोज और खोजही आद के आद अनाद, पल पल शब्द प्रकाश ही श्रवणो एही स्वाद। कितनी मस्ती है सुंदर साथ प्राण प्रीतम के ऐसे मधुर वाणी में। खोज खोज और खोज ही नाम धनी की कृपा से इस खोज खोज और खोज ही पता लग रहा है। पहले 83 की खोज, उसके बाद दूसरा खोज है 25 पक्षों, खोज खोज और उसके बाद अपना छत रंग परवाली मंदिर खोज है। हम सबको इस सीढ़ियों से चढ़ना है, तो 83 सीढ़ी पर पहली खोज जो आसान है, उसके बाद 25 पक्षों की खोज, और फिर तो अपने प्राण प्रीतम से मिलन का सुख रंग परवाली में, यानी सब सीढ़ियां पार करके हकीकत की पार करके मार्फत में पहुंच गए। जो ऐसा करे विचार वो पहुंचे धाम धनी के चरण। तो खोज खोज और खोज ही आद के आद अनाद, ये जो आद आद और अनाद है ये वही है, यहां की हकीकत और उसकी हकीकत और फिर उसकी मार्फत और फिर उसकी मार्फत, ये कई दिनों से बात आ रही है। तो पहला आद है ये 83, दूसरा आद है योग माया का प्रमाण, और अनाद जो है वो तो अपना परम धाम है, वही हकीकत का स्वरूप है, मार्फत का स्वरूप। पल पल शब्द प्रकाश ही श्रवणो एही स्वाद। अब जब धाम धनी की सुंदर वाणी को हमारे दिल में वो हमारे दिल को रोशन करता है, तो हर घड़ी हर पल हम उसी प्रकाश में बैठकर अपने प्राण प्रीतम का स्वरूप निहारते हैं। और श्रवणो एही स्वाद, और जब कोई भी मेरे प्राण प्रीतम की बात सुनाता है, उन 25 पक्षों हकीकत की बात सुनाता है, मूल मिलावे में विराजमान मेरे
प्राण प्रीतम के जुगल स्वरूप के नक्शे शिख तक के श्रृंगार को सुनाता है और फिर रंग पर वाली की बातें सुनाता है। तो बस अब ये श्रवण आत्मा के इसके अलावे कोई और बात सुनना नहीं चाहते। और असराफील ऐसी सूर फूंकता है दुंदुभी जिससे यहां माया की कोई आवाज आत्माओं के श्रवण अंग तक पहुंचे नहीं और धाम धनी की मधुर वाणी का रस पहुंचता है। पल पल शब्द प्रकाश ही श्रवणो एही स्वाद। और बस धाम धनी की बात की स्वाद लेती रहती। सुहागिन तोलो खोज ही जोलो पाइये पीऊ वतन। और सुहागिन ये तब तक खोजती रहती जब तक उनको अपना घर नहीं मिल जाता। पीऊ वतन पाए बिना विरहा ना जाए निस्तिन। वो विरह की अग्नि तो अंतस में हमारे रोम रोम में धधकती है। जब तक हमको हमारा घर नहीं मिल जाता। सुहागिन तो लो खोज ही जो लो पाइये पीऊ वतन। पीऊ वतन पाए बिना विरहा ना जाए। तो विरह की अग्नि से हमको छुटकारा नहीं मिलेगा क्योंकि मिलन तो होगा उसी परम धाम में। और धाम धनी ने बड़े प्यार से हम रूहों को एक सरल सुगम सहज मार्ग बता दिया। बहुत तड़प रहे हो, मैं तुमको नहीं मिल रहा हूं, मैं तुम्हें इतना दर्द नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हें दर्द देता हूं तो उस दर्द का एहसास मुझे भी होता है। तो तुम मेरे आवेश स्वरूप प्राणनाथ के चरणों में आ जाओ। बस सुंदर श्री भरत खंड में सुंदर श्री बुंदेल खंड में सुंदर श्री परना मिले सुंदर श्री गुम्मट जी में तरहटी में चंदन के झूले पर बीचो बीच मध्य में विराजमान मेरे आवेश स्वरूप का दीदार कर। अगर वहां भी दीदार तुम्हारी सुरता से भी ना हो पाए तो उसी स्वरूप के दिल में जो बीज तारतम का मैंने बोया था वो अब उगकर एक सुंदर वृक्ष का रूप धारण कर लिया मेरे हुक्म से। हुक्म इलम खेल एक है। इसी खेल में धाम धनी ने अपने हुक्म से इल्म का वो वृक्ष सघन वृक्ष खड़ा कर दिया जिसकी सुंदर डालियां सुंदर सुंदर पत्ते सुंदर सुंदर फूल और सुंदर सुंदर मीठे अमृत के रस से भरे हुए फल। बस अपनी आंचल को फैला दो। झोली को फैलाते हैं भिखारी और आंचल फैलाते हैं पत्नियां। तो पत्नी होकर जाओ और आंचल फैला दो कि धाम धनी मैं आ गई, अब इसके अंदर जो देना है दे दो। तुम जो दोगे वो अमृत का रस होगा मेरे लिए। तो धाम धनी 14 फल एक साथ डाल दे। और कभी क्या करते हैं, एक ही फल डाल दे और एक फल के ही अंदर 14 फलों के रस घोल देते। वो एक फल श्री कुलजम स्वरूप बने जिसके अंदर 14 फलों का अमृत रस भरा।
रास प्रकाश कटवी कलश सनंद खुलास किरंतन खिलवत परिक्रमा सागर से निगार सिंधि मार्फत कयामत नाम और भी फल है महामती जी द्वारा प्रकट किए हुए सुंदर श्री बीतक साहेब परम धाम की बड़ी वृत्त ये तीनों ग्रंथ महामती के खिताब से आए और उसमें कौन बैठा धाम धनी बैठे और अमृत के रस से भरपूर है तो आंचल फैलाओ और देखो धाम धनी की मह और जो ये कर पाता है सुहागिन के लक्षण पे खरा उतरता है। ओ तो आगे अंदर उजली अब ये आत्मा का मूल स्वरूप बता रहे आत्मा का जो दिल है वो तो पहले से ही स्वच्छ है कंचन का शुद्ध प्रेम का स्वरूप है क्योंकि आत्मा के दिल में तो मैं धाम से ही विराजता हूं और उसके दिल को हर्ष करता हूं। वो तो आगे अंदर उजली वो तो पहले से उजली है खिन खिन होत उजास मैंने आपको बताया था ना सुंदर सा याद करो हफ्सा ने जब धाम धनी ने इंद्रावती को और उसके जीव विरह में तड़पते और इंद्रावती अपने जीव को त्यागते तन छोड़ते जब विरह की पराकाष्ठा में पहुंचा दिया तब धाम धनी ने दीदार और दोनों एक दूसरे को देखकर मानो एक दूसरे पर फिदा हो रहे ये मत सोचना कि इंद्रावती जी अपने धाम धनी को देखकर फिदा हो रही थी धाम धनी भी अपनी परम धाम की उस सुंदर आत्मा इंद्रावती के मुख पर अपने ही मुख के नूर सागर का आभा आब देख रहे थे तो जैसे आत्मा इंद्रावती की कुर्बान हो रही थी फिदा हो रही थी वैसे ही धाम धनी भी फिदा हो रहे और बातें कर रहे मीठी मीठी बातें तो धाम धनी ने जब अपनी मेहर भरी नजर इंद्रावती के नैनों में डाला तो धाम धनी के दिल के अंदर विराजमान मेहर सागर के अंदर अनंत सागरों का समूह इल्म के सागर के संग उस मेहर भरी नजर से सीधा इंद्रावती के नैनों से होते हुए उनके दिल में आ गया और पूरा इल्म सागर की लहरें उनके अंदर समा वो तो आगे अंदर उजली वो तो सिर्फ देखा और पहुंच गया जैसे परम धाम में नहीं होता कि रूहों ने दिल में लिया कि आज नीले रंग का आम खाऊं तो नजर उठाई अमृत वन पे तो वहां नीले नीले आम टंगे हैं क्योंकि धाम धनी ने वो पहले दिल में लिया फिर हमारे दिल में उपजा और फिर नजर देखी तो आम रूपी भी आत्माएं हैं उन सबका रंग अमृत वन के वृक्षों पर नीले रंग जो धाम धनी चाहे तो धाम धनी ने तो पहले इंद्रावती के दिल को पूर्ण प्रकाश में ला दिया खिनखिन होता उजास लेकिन जो उसका नूर का नूर तारतम का प्रकटीकरण हुआ वो आहिस्ता आहिस्ता हुआ
क्योंकि यहां आत्माएं जिन जीवों पर बैठी हैं वो एक संग लेने के अभी योग्य बनी नहीं, तो पहले उनको उस योग्य बनाना होगा। तो वो तो आगे अंदर उजली खिन खिन होत उजास, देह भरोसा ना करे पिया मिलन की आस। अब तो सुहागिन नार को अपने इस तन का भरोसा न रहा, ना जाने कब आती जाती श्वास संग छोड़ दे। तो अब उसको अपने पिया के मिलन की जो आशा है वो उसको नहीं छोड़ना चाहती। समझ रही कि ये तन तो कभी भी छूट सकता है, लेकिन अब वो आस बधा दी कि अगर तेरी ये आस तेरे दिल के अंदर कायम रही और तू सुहागिन नार के लक्षण पे खरी उतरी तो तन मिल जाए पांचों मिले पांचों में, रू अपनी असल छोड़े नाहे और तुम प्राणनाथ के चरणों में पहुंच जाओगी। विचार 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 ही वेदे सकल संधान, रोम रोम ताए भेद ही सत शब्द के बाण। ये तारतम ज्ञान की जो वाणी प्रकट हो रही है ये धामधनी के दिल से प्रकट हो रही है, इसीलिए ये परम सत्य की वाणी है। और जिन आत्माओं के रोम रोम में ये वाणी बस जाती है तो उनका एक ही कार्य रहता है, विचार विचार विचार। हर घड़ी हर पल अपने प्राण प्रीतम के 25 पक्षों को निहारती रहती है, उसमें स्वलीला अद्वैत को निहारती रहती है और फिर रंग पर वाली में प्राण प्रीतम से परस परस हो जाती है। और बेधे सकल संधान, उनके अंग अंग ये पिया की वाणी की गूंज मानो भाले के जैसे लगती, उसके अंगों के संग संग को में वो भाले चुभ रहे, दिल में भाले चुभ रहे वाणी के। पार वतन के शब्द अंग में जो निकसे फूट, गलित गात सब भीगल पिया शब्दे होए टूक टूक। ये पार्वतन के शब्द है यानी धामतनी के दिल से प्रकट हुए। और जो इंद्रावती के अब अंगों से प्रकट हो रहा है वो जो भी सुहागिन नार है उन वचनों को लेगी तो उसके हर अंग से अब सिर्फ वाणी फूटेगी। जैसे कोई ऐसी विरहिन नार हो जो अब श्वास भी नहीं ले पा रही तो उसको चोट मारो तो उस चोट से बस एक ही शब्द निकलेगा, धाम प्राण प्रीत मेरे खावन। इसका एक उदाहरण है ना, जैसे बकरी को एक ढेला मारो मैं करती हुई चलती, वो मैं अहंकार। और जब मर जाती है और उसके स्किन को चमड़े को खाल को उतार कर ढोलक बना दिया जाता है
तो जब उस ढोलक पे हाथ पड़ते हैं तो वो क्या कहती है, तय तय तय। तो ऐसे प्राण प्रीतम की याद हर हाल में जिसके स्वरूप से निकलता हो वो सुहागिन ना रहे। पार वतन के सब अंग में जो निकसे भूत, गलित गात सब भीख। ऐसे सुंदर वाणी के स्वरूप में सुंदर साथ जो भीगा रहता है। रोम रोम बीच रमि रहिया, पीउ आसक के अंग। इसके ले ऐसा किया, कोई हो गया एक है। तो गलित गात सब भीगल, पिया सब दे होए दूक। और ऐसे प्राण प्रीतम के शब्दों से वो घायल रहती है। तो इसको कहते हैं सुहागिन नार के लक्षण। सुंदर साथ ये 13 नंबर की चौपाई है, 11वें प्रकरण। समय तकाजा कर रहा विराम का, तो इसी 13वीं चौपाई पर विराम देते हैं, इसी को दोहरा कर। पार वतन के सब अंग में जो निकसे फूट, गलित गात सब भीगर, पिया सब दे होए टूक टूक। पिया सब दे होए टूक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे।